चलो दोस्तों, अगर आप एक बाइक राइडर हैं या फिर आप एक बाइक लवर हैं जिसे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको चार ऐसे एक्सेसरीज बताने वाला हूँ जो कि आपकी गाड़ी में जरूर होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि जितने भी राइडर्स हैं सिर्फ उन्हीं को बोल रहा हूँ, जो भी नॉर्मल कंप्यूटर सेगमेंट के भी लोग हैं, जो लोग कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे एक्सेसरी इन सभी गाड़ियों में भी आ जाएंगे और आप इससे काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा अगर आपके बाइक में सारे एक्सेसरीज रहे हैं तो। बेसिकली यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़े बड़े एक्सेसरीज बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चा करवाने वाला हूँ। अगर मतलब इस सारे जो भी मैं एक्सेसरीज बताऊंगा, इसका मैक्सिमम कॉस्ट आपको लगभग 2000 तक पड़ेगा, और कम से कम की कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें मैंने 250 से 300 वाले भी आइटम्स को ऐड किया है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है, मज़ा आएगा इसको देखने में। तो ज़्यादा टाइम ना करते वीडियो शुरू करते हैं। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए बेसिकली चार ऐसे एक्सेसरीज लाया हूँ जो कि आप अपने बाइक में अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी आपकी बाइक ज़्यादा एक अपग्रेडेड एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और नॉर्मल बाइक से काफ़ी ज़्यादा अलग लगेगी, भले वो आपकी कोई भी बाइक क्यों ना हो, 125 cc या फिर 110 cc की बाइक हो या फिर 350 cc, 600 cc, कितनी भी बड़ी बाइक हो, एक तो मतलब इस बाइक को एक अलग लेवल पर लेकर चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला गैजेट के बारे में बात करने वाला हूँ या फिर एक्सेसरीज के बारे में बताने वाला हूँ, वो है दोस्तों मोबाइल होल्डर विथ चार्जर। अब दोस्तों इसके बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत ही कॉमन एक्सेसरीज है मोस्टली लोगों के बाइक में, अभी जितने डिलीवरी बॉय लोग होते हैं उन सभी के बाइक में तो यार ये जरूर चीज देखने को मिलता है। अब दोस्तों बेसिकली मुझे लगता है बहुत ही बेसिक एक्सेसरी जो कि लगभग सभी के गाड़ी में होना चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल होल्डर एक आपको मतलब अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए जाते हैं तो काफी ज्यादा हेल्प करता है, उसी के साथ साथ अगर इसमें चार्जिंग का सिस्टम रहता है तो काफी अच्छा बात होता है, क्योंकि यार यहाँ पर अगर आप जब तक बैटरी गाड़ी चलाते रहते हैं तो उस दौरान आपको बैटरी का मतलब चार्जिंग का इशू बहुत कम आता है, तो वहां पर क्या होता है अगर आपका फोन भी चार्ज होता है तो आपका बैटरी से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो ये काफी अच्छी बात है कि मतलब आप लॉन्ग राइड्स पे आपको बैटरी का वाला झंझट नहीं होगा, फोन भी चार्ज होता रहेगा और एक आपको होल्डिंग करने के लिए भी मिलेगी तो काफी अच्छा लगेगा। उसी के साथ साथ बाइक भी इससे देखने में काफी अच्छी लगती है, लगता है कि नहीं यार सामने वाला बाइक लवर है, टूर वगैरह थोड़ा करता है, तो एक लुक को अलग से मतलब अच्छा लगता है देखने में। अगर आप किसी को भी दिखाएंगे तो एक बार उनका नजर जरूर जाएगा इस चीज पर। अब यहाँ पर दूसरे गैजेट या फिर एक्सेसरीज की बात की जाए तो दोस्तों वो है डिस लॉक। अब दोस्तों मैं बेसिकली इस वीडियो में ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इस डिस लॉक के ही बारे में बताने वाला हूँ, बेसिकली ये जो डिस लॉक है ये अलार्म सिस्टम के साथ आता है, और मैं यहाँ पर सिर्फ इस डिस लॉक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका आप बोल सकते हैं डिस लॉक भी आता है, उसी के साथ ब्रेक लॉक भी आता है जिसको आप अपने फ्रंट ब्रेक में लगा कर होल्ड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप गाड़ी आपका कोई भी हिलाएगा आगे पीछे या फिर कुछ भी छेड़छाड़ करेगा तो आवाज़ करने लगेगा। उसी के साथ साथ आपका ये जो लॉक है ये नॉर्मल ताले के भी शेप में आता है, तो बेसिकली मुझे नॉर्मल ताला के शेप वाला ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज आप उसे अपने हिसाब से अपने गाड़ी के किसी भी जगह पर किसी भी पार्ट्स में किसी भी स्पेसिफिक जगह पर लगा सकते हैं ताकि आपके फेवरेबल मूवमेंट के हिसाब से गाड़ी का वो अलार्म बजने लगे। तो बेसिकली ये सारे डिसलॉक है विथ अलार्म सिस्टम इन्हें बोला जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है, एक सिक्योरिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपके गाड़ी में मान के चलिए एक सस्ती भी गाड़ी है आपकी, बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, तो इस सिस्टम से होगा कि अगर गाड़ी को कोई छेड़छाड़ करता है, कोई हिलाता डुलाता है या फिर मतलब मजाक मस्ती करता है तो आपको पता चल जाएगा, फिर अगर चोरी वगैरह कोई करने की कोशिश करता है तो उस जगह पे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी एक मतलब बढ़िया गैजेट था, जो कि मुझे लगा कि अगर कोई आप ऐसा जगह पर रहते हैं यहाँ पर बहुत सन्नाटा वाला जगह रहता है, आपको डर लगा रहता है कि यार कहीं कोई गाड़ी के साथ छेड़छाड़ ना करा, फिर गाड़ी कोई लेकर ना निकल जाए, तो ऐसे जगह के लिए काफ़ी सही चीज़ है। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो हमारा ये गैजेट है ये बेसिकली एक GPS सिस्टम है। अब दोस्तों ये GPS सिस्टम आप बाइक में भी लगा सकते हैं, कार में भी लगा सकते हैं, इसका दोस्तों आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लगभग 2500 के आसपास पड़ता है, लेकिन दोस्तों इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका यहाँ पर अलार्म सिस्टम देखने को मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट देखने को मिल जाता है, उसके साथ रियल टाइम आप ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी को, और भी कई सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं जो कि बेसिकली एक डिटेल में आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा मतलब समझ रहा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट तो नहीं की है, बट हाँ ये काफ़ी सही चीज़ है। अगर आप इसको आप बाइक में लगाते हो तो आप बोल सकते हैं कि आप एक स्मार्ट बाइक अपने आपको बना दे हो बस इसी इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पर आपका डिसलॉक वाला भी काम हो जाएगा, आपका मतलब इसमें ये बीप भी बजेगा अगर आपको बाइक कोई भी हिलाता है, क्योंकि इसका जो मेन बोर्ड आता है इसमें मोशन सेंसर वगैरह भी होता है, तो मतलब समझ के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये। आपने इसके बारे में बहुत जगह पे सुना भी होगा कि काफ़ी अच्छा गैजेट है ये, तो अगर आप इसको बाइक में अपने लगाते हैं तो आपके बाइक एकदम एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। हाँ बट ये बात है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैटरी का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चीज़ है ये बैटरी कंज्यूम करता है, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि थोड़ा सा अपना बैटरी को पर ध्यान दीजिएगा, कि इस चीज़ से कई लोगों का कंप्लेन भी आता है कि यहाँ पर बैटरी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है और बाइक को स्टार्ट करने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेसिकली ये तो उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फेवरेबल एक पॉइंट बता दिया कि काफ़ी कमाल का गैजेट है और आप अपने गाड़ी में लगा सकते हैं, एक बहुत ही इससे आपका मतलब जो बाइक है वो एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है।
था, जो कि बेसिकली मेरा अपना सपना है कि अगर जब भी गाड़ी खरीदूंगा यार तो ये सिस्टम को जरूर लगाऊंगा। बिकॉज आप एक जगह पे खड़ा रहिए और एकदम बटन से दाबिए और गाड़ी चालू हो जाती है, एक अलग सा लेवल का मतलब एक ठोक समझ रहे हो ना, फरमा बन जाता है कि अरे यार क्या बात है क्या। दोस्तों जो चारवा गैस है वो कोई मतलब गैजेट आप उसको नहीं बोल सकते, लेकिन वो कमाल का चीज़ है। वो होता है दोस्तों साइड होल्डर। अब दोस्तों अगर आप इसका फोटो देख के आप समझ ही होंगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, लगभग बहुत लोगों के बाइक में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। मुझे बेसिकली ये चीज़ बहुत ही सही लगता है इसलिए क्योंकि मोस्टली लोग जो ये डब्बा लगवाते हैं साइड में, उससे गाड़ी का लुक बहुत ही बेकार हो जाता है। और आज के डेट में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लगवाते, बिकॉज सबको गाड़ी का लुक चाहिए, सब चाहते हैं कि हमारी बाइक अच्छी दिखे, वो पुराने 90s वाले वो डब्बा वाला सिस्टम ना दिखे। तो दोस्तों ये हुक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करते हैं। रीज़न ये है कि इसके वजह से गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगता, ऐसा भी नहीं लगता कि गाड़ी बहुत मतलब अजीब टाइप की लग रही है। थोड़ा सा आपका गाड़ी में लगे थोड़ा सा ये टूरिंग बाइक है, बट बेसिकली ओवरऑल लुक कोई डैमेज नहीं करता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि बाइक मतलब गाड़ी को देखकर कि ये क्या है बे, ये तो मतलब तुम बर्बाद कर दिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। दोस्तों आपकी बाइक अच्छी दिखेगी, उसी के साथ साथ आपको इसमें होल्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप मार्केट से कुछ सामान वगैरह लाते हैं तो आप उसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, टांग सकते हो, या फिर उसी के साथ साथ जो आपका एक रस्सी टाइप का आता है जो कि स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सीबल होता है, आपको आप उसको भी यहाँ पर बांध कर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को चाप कर रख सकते हो। मतलब ये बहुत कमाल की चीज़ है, अगर आप इसको चाहो दिमाग लगा के आप दोनों तरफ फ्लक्स से लगा कर अगर लगाते हैं तो बहुत ही तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया गैजेट था बाइक में लगाने के लिए। तो दोस्तों बेसिकली यही चार गैजेट थे। मैं ज़्यादा इस वीडियो में आपको हाई फाई चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो नॉर्मल कंप्यूटर सेगमेंट के भी लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों को लगा सकें और अपने बाइक को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर भाई चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो पर एक और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।